राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जवानों, कल एक पेट्रोलिंग जत्था नामकचू वैली के आसपास गया था। हमने वहां भारी तादाद में चीन की सेना को देखा। दुश्मन पहाड़ी के पीछे बैठा है। आज रात मेरे कुछ सिपाही एक कार्रवाई को अंजाम देंगे और मुझे दुश्मन का संतरी जिंदा चाहिए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी साहब, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई जी साहब, राइफलमैन तेजपाल सिंह जी साहब, नायक लाली चमन सब, नायक शेर सिंह सब, तुम इस कार्रवाई को लीड करोगे जी साहब। भद्री विशाल लाल की जय। चाइनीज को कैप्चर करने के लिए जाएंगे, ठीक है। जब तक कोई खतरा महसूस ना हो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सब अलर्ट रहेंगे, ठीक है। ठीक है, और जैसे कोई खतरा लगे सब अपनी फॉरवर्ड पोजीशन में आएंगे, ठीक है। ठीक है, सब समझ गए? समझ गए, समझ गए। भाषा किसी को समझ में आती है? अरे टाइम मत वेस्ट करो, बोलो क्या करो इसका? मार दो। ये तो मर गया। एक काम करते हैं जसू, हाँ? इसकी जैकेट उतार के ले चलते हैं, साहब जी को दिखा देंगे। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। हाँ। शेर सिंह भाई जल्दी करो। उतार दिया। हाँ, चलो चलो निकलो निकलो अली भाई, निकलो निकलो, चलो चलो चलो। चीनी संतरी को तो मरना ही था, अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते तो दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी हमें मिल जाती। मुझसे गलती हो गई साहब जी, मैं जिंदा पकड़ना चाहता था उसको। शेर सिंह सर, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते, और ऐसे मौके पर सही निर्णय लेना एक सच्चे सिपाही की पहचान है। तुमने जो भी निर्णय लिया शेर सिंह, बिल्कुल सही था। जतन सिंह, प्रताप सिंह जी साहब, आप अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज लेके जाएंगे और अलग अलग गांव में गश्त करेंगे जी साहब। अब हमें और भी चौकन्ने रहना होगा क्योंकि चीनी सेना बदला लेने के लिए बेचैन होगी जी साहब। फोर्थ गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने उस इलाके के सभी पहाड़ों की गश्त की, पर कहीं से दुश्मन के होने का अंदेशा ही नहीं मिला। नामकचू नदी के पहाड़ी से जिस चीनी संतरी को पकड़ा गया था, वहां पर भी अब चीनी संतरी का नामो निशान तक नहीं था। उन पहाड़ी इलाकों में दिन रात गश्त के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि चीनी कब हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि चीन की घुसपैठ और हमारी जमीन को कब्जाने की खबरें बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी, मगर निशान मिलने अभी बाकी थे। क्रम दर क्रम यह सिलसिला चलता रहा और यह मान लिया गया
कि चीन और भारत का युद्ध अब शायद टल जाएगा। क्या बोली? तुम्हारा मुल्क तो बहुत दूर होगा ना यहाँ से। हाँ, बहुत दूर। तुमने तो मेरा मुल्क देख लिया है, क्या मैं तुम्हारा मुल्क देख सकती हूँ? हालात नहीं है नूरा। ऐसे क्यों बोला? तुझे पता है नूरा, यहाँ भारत चीन का बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। हाँ, मेरा आपा बोल रहा था कि चीन एक बहुत बड़ा फौज लेके आ रहा है। हाँ, तो उसी फौज को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। वो नहीं रुकेंगे तो लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, कुछ उनकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से। और क्या पता नूरा, मेरी कोई गोली उनके लिए बनी हो या उनकी कोई गोली मेरे लिए बनी हो। पता नहीं मगुठी रम्मा। क्या बोली? नहीं लगने दूंगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। कहां? लड़ाई में? हाँ। तू भी रोकेगी उन चीनियों को? हाँ, मैं भी रोकूंगी। वो देख तेरे यहाँ कहाँ चले गए, चलो उनको तो रोक। चीनियों को बाद में रोकना तू, चल मैं चला। हाँ, लाली साहब, कोई मूवमेंट नहीं साहब, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे गेट करो साहब, इतनी ठंड में यहाँ कौन मरने आ रहा है? नहीं लाली, इन साले टिड्डियों का कोई भरोसा नहीं साहब। नजर रखो, उधर कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है साहब। क्या? ये अपनी माँ का, ये मोनपा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? मोनपा खतरा, ये मोनपा नहीं, घुसपैठिए चीनी है। संभालो जी साहब, अपनी अपनी पोजीशन संभालो जी साहब। लाली नजर रख साहब, मैं कर्नल साहब को खबर करके आता हूँ साहब। कर्नल साहब, साहब जी, साहब जी चीनी आ गए। साहब जी कहां से? लेफ्ट फ्लैंक से। लेफ्ट फ्लैंक की पोजीशन क्या है? वेस्टर्न पोजीशन ले लिया साहब। साहब जी ये तो यहां से भी आ गए साहब। दो कि फोर्थ गढ़वाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है। साहब पत्री विशाल लाल की जय। साहब जी सिपाहियों इन्हें बता दो कि जो कफन हम अपने सर पे बांध के आए थे वो हमारे लिए नहीं, इन चीनियों के लिए है। मेरे भाई, सबसे पहले गोली तो ही चलाएगा, कान कॉक कर अपनी। फायर!
मेरे भाई कंट्रोल में लाओ। शाबाश, बस याद रख इसी तरीके हम लोग यहाँ पे आए थे कि जीने को रोक सके। गोलियां चलाता ना मेरे भाई। जीतू, हाँ तूने देखा भी क्या हुआ? हाँ वापिस जा रहे हैं। हाँ लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं के लिए बने हैं। सब ये चीनी तो वापस चले गए। चंद्रमोहन, इस चीनी सेना का दूसरा नाम है टिड्डी दल सेना। हो ना हो ये हमारी पोजीशन और हम कितने लोग हैं ये पता करने आए थे। चंद्रमोहन साहब, गेट योर बॉयज रेडी एंड यू गिव द ऑर्डर्स टू फायर। जी साहब। खत्म हो गई तो क्या करेगा मेरे भाई? तेरे को तो पता है जसू, मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बैनेट लेकर घुस जाऊंगा अंदर, मगर किसी को आगे नहीं आने दूंगा। चिंता मत कर, मैं भी वहीं मिलूंगा तुझे। बिल्कुल भाई। अलर्ट, आज आर या पार की लड़ाई है। जी साहब। जसवंत। हाँ साहब। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के होने से। साबित कर दो अपने होने को। साया करने के लिए ना तो हमारे पास गोली है और ना सांस है। फायर! अरे जतन सिंह, मुझे पता है अभी जंग क्यों होती है। नहीं लगे भाई, ताकि हम फौजियों को जंग ना लग जाए। एक भी चीनी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। ये सारे टिड्डी हैं, जंग के बारे में टिड्डियों को।
से हैं। गोला फेंक इन पे। दूंगा मैं, नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा तेरा ऑर्डर। मानने दे यार, मुझे भूला मत। अभी हम दोनों लड़ने चलेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे और साथ घर चलेंगे। उठ उठ लाली, है लाली, लाली, लाली उठ। चला गया दरबान भाई, चला गया। लाली, तेरी कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगा, एक एक सांस का बदला लूंगा इन चीनियों से। जल्दी मिलेंगे लाली भाई, जल्दी मिलेंगे। अपने देश की हिफाजत के लिए अपनों को ही भूल गए थे वो लोग। उनके खून का रंग और गोलियों की चिंगारियां मानो कह रही हों कि आज ही होली और आज ही दीपावली है। वो शहादत की रात थी, सारे जज्बातों को अपनी बंदूक से निकली हुई गोलियों के साथ समर्पित कर दिया था उन वीरों ने। गोले बारूद के धुएं ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया था। तब न खून दिख रहा था और न उनकी टूटती सांसों की डोरी। वो धुआं भी तो जरूरी था। उस रात जो हुआ था, कैसे यह सृष्टि उसकी साक्षी हो सकती थी? चंद्रमोहन ने ठीक ही तो कहा था, जंग गोला बारूद से नहीं, उन जैसे वीरों के होने से जीती जा रही थी, जिन्होंने सच में अपने होने को साबित किया था। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जानता हूं जसवंत, जब तक तुम्हारे जैसे वीर हमारे साथ हैं, अपने वतन के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जसवंत साहब, हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उन सबको ट्रेंचर में ले जाओ। साहब, किसी भी वीर सैनिक का शरीर
इधर उधर नहीं पड़ा होना चाहिए। साहब, जैन साहब, जाओ। जैन सर, क्या पोजीशन है कर्नल? सर, सर आवर पोजीशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल सर। आई नो कर्नल। सर, वी आर लूजिंग एम्यूनिशन सर। सर, आई नीड बैकअप नाउ। बहुत मुश्किल है कर्नल। सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। अभी मैं यहां से कोई भी मदद नहीं दे पाऊंगा। सर, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आई एम लूजिंग जवान्स, आई एम लूजिंग एम्यूनिशन सर। लिसन टू मी, यहां भी हालात ठीक नहीं है, मदद पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। सर, सर डू समथिंग सर प्लीज। कर्नल, लीव द पोस्ट एंड गो टू सेला पास फॉर्म डेला। वहां से हो सकता है कि तुम्हें कोई बैकअप मिल जाए। यू आर इन द फ्रंट कर्नल, यू बेटर नो व्हाट। आई विल सर, आई विल। जय हिंद सर। जय हिंद कर्नल। ऑर्डर मिला है कि हम ये पोस्ट छोड़ दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। पर हमारे जो हालात और परिस्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि हम बॉम्बडीला की तरफ पीछे चले जाएं, जहां 11th रेजिमेंट है, और उनके साथ मिलकर हम दुश्मन से लोहा लें। तुम्हारी अल्फा कंपनी का पोस्ट कमांडर सीएम सिंह, यह फैसला तुम पर छोड़ता है। आपका फैसला सर हकोबी साहब जी, आपने जो भी फैसला किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। पीछे चलते साहब जी, वहां जाके खदेड़ेंगे इन चीजों को। साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। पोस्ट नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? मरेगा या मरूंगा? शेर सिंह भाई, यही मरूंगा, मगर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। तुमको जाना है तो चले जाओ भाई, मगर अपना नाम बदल लेना। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हाँ? तेरी जगह अगर किसी और ने ये बात कही होती ना, तो उसके गले में हाथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाल लेता है शेर सिंह। चले जाओ शेर सिंह भाई, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मेरी बंदूक से निकली हुई गोली दुश्मन को लगने से पहले तुम्हारे सीने को चीर दे। चले जाओ यहां से। चला गोली, मार दे मुझे। अब मुझे क्या? इसको सबको मार दे। कपड़े तो दिए होते यार, किससे लड़ाई? दुश्मन से कि
ठंड से मरने के लिए भेज दिया यहाँ पे एक स्वेटर और एक कपड़े के जूतों में। इधर यहाँ देख प्रताप भाई, देखो देख इनकी हालत। प्रताप भाई कौन लड़ेगा यार? इधर तू लड़ेगा? राम सिंह लड़ेगा, तू बोलता क्यों नहीं लड़ेगा? इधर देखेगा इसलिए सिंह कौन लड़ेगा? तू लड़ेगा? कौन लड़ेगा? मायाराम तू, तेजपाल तू, यज्ञान सिंह तू, तू 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 कौन लड़ेगा? लड़ेंगे साहब जी, इसे बकवास करने दो, मरने दो इसे। अब ऑर्डर दो साहब जी, हम अभी पीछे जाएंगे साहब जी। चलेंगे बंतू, पहले इनका क्रियाकर्म तो कर लेंगे, फिर सारे मिलके घाट पे चलेंगे। ठीक कहते हो शेर सिंह भाई, उसके बाद परिवारों से मिलने का मजा ही अलग है। बंतू भाई, बंतू भाई, सिर से बात लगता है मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। नहीं मंतू सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख मंतू, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। चलिए पता नहीं कहाँ से और ये सब कोई पता नहीं, बात नहीं चली तो चुका भी लेके जाओ मंतू भैया। एमएमजी का बहुत हैवी फायर आ रहा है जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, और इस काम के लिए मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए। साहब, 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 भद्री विशाल लाल की जय। बाहर निकलो जवानों, हौसला बना रहना चाहिए। Hurt ya! Oh! Oh! Oh!
देखभाल मेरे भाई, देखभाल मैं आ रहा हूँ, देखभाल मेरे भाई, देखभाल, देखभाल। इतने तो होंगे। हाँ गोपाल भाई, तुम वहां से निकलो, मैं यहां से निकलता हूँ और तेरे लोग हाँ तुम्हें कवर फायर देगा। ठीक है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। चीनी सेना को रोक पाना अब मुश्किल था, मगर ना तो फौद गढ़वाल राइफल के वो जवान रुके, ना ही उनकी बंदूक की गोलियां।
अनुमान था कि चीनी सेना सेला पास के रास्ते से भी आगे बढ़ सकती थी। वो सभी जवान एक हौसले के साथ सेला पास की तरफ बढ़े, इस कोशिश में कि वो वहां चीनी सेना को रोक पाएंगे। मगर अंततः उन सबको भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? एक वीर ने तो कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक एक इंच भी अपनी जमीन नहीं लेने देगा। शायद नियति ने इसी दिन के लिए उसे महफूज रखा था। अकेला ही था उस युद्ध भूमि में जिसने न रुकने की कसमें खाई थी। पर कहीं कोई और भी था जिसने कहा था एक रोज उससे, मैं भी रोकूंगी तुम्हारे साथ मिलके उन चीनियों को, मैं भी लड़ूंगी उनसे। मर्यादाओं की बेड़ियां कब तक उसे उसका वचन निभाने से रोक सकती थी? आखिर वो निकली पड़ी उसका साथ देने को। Thank you.
क्यों आ गई यहाँ पे अनुरा? हम दोनों को कुछ नहीं हो सकता अनुरा। मैं तो आया था यहाँ पे मरने के लिए, तू क्यों मरने चली आई? कुछ नहीं दे पाऊंगा तुझे अनुरा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। जा चली जा वापस और फिर लौट के कभी मत आना अनुरा। तुम्हें याद है जिस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप है अनुरा, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन है, सबको छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। तुम्हारी उम्र ही क्या है अनुरा, भी जिंदगी देखनी है तुम्हें। देख चुकी हूँ तुम में, अब मुझको कुछ नहीं देखना। तुम प्यार करती हो मुझसे तो जियो मेरे लिए, और दुनिया को बताना कि कभी हमने प्यार किया था, सुनाना उन्हें हमारी कहानी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें, एक वक्त ऐसे आएगी जब लोग खुद ब खुद जान जाएगी हमारे बारे में। मुझे जाने के लिए मत कहो जसवंत, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे जाने के लिए मत कहो। और वो नहीं गई, वहीं रही उसके साथ उस युद्ध भूमि में। मैं नहीं जानता कि कोई नूरा थी भी या नहीं, लेकिन कभी कभार उस मुल्क के लोगों के जुबान पर उनकी प्रेम कहानी का जिक्र आ जाया करता है, जिसे इतिहास में कभी शामिल ही नहीं किया गया। ये गन है, नीचे बैठ, ये गन है ठीक है, ये कॉक है, खींचा बोले लोड हुई ठीक है। अब देख समझ गई ना, खींचा गोली लोड हुई, ये कॉक हो चुकी है, ट्रिगर दबाएगी फायर हो जाएगा, समझी? कर लेगी पकड़। समझ गई? हाँ। ये लेफ्ट होगा, हाँ। ये राइट होगा, हाँ? हाँ। नीचे विजिबिलिटी बहुत कम है, चीनी सैनिक नहीं दिख रहे मुझे ठीक है, हो सकता है कि वो लोग वहां से आ रहे हो, हाँ। तो संभाल लेगी, हाँ। संभाल लेगी नूरा, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, हाँ? हाँ। संभाल नूरा, कर लेगी ना, हाँ।
नहीं मर गई, अब वो थोड़ी देर तक नहीं आएंगी। नूरा बैठ जा, नूरा बैठ जा, मुझसे वादा कर अगर मैं मर गया तो वापस अपने घर चली जाएगी, वादा कर नूरा। मैं तुमसे पहले चली जाऊंगी। नहीं जाने दूंगा। नहीं रोक पाओगी तुम। तुम नहीं रोक पाएगी नूरा। तभी तो मैं पहले जाऊंगी। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे इन वादियों में जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और बर्फ। पानी, तुम यहीं रुकना, मैं पानी लेके आती हूँ। तू यही रुक, ठीक है? नीचे खतरा है। मैं अभी आती हूँ। नीचे चीनी सेना के नूरा। मैं अभी आएंगे, वो लोग थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। तू यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है? पथ का हूँ पथिक मैं, चलता हूँ हर सुबह हो शाम। अग्नि पथ का हूँ पथिक मैं, चलता हूँ हर सुबह हो शाम। ढलते सूरज को जगा तू, लिख दू उस पे माँ का नाम। इन आखिरी लम्हों को मैं करूँ अलविदा, मैं अलविदा। रखूँ हौसला कर फैसला, माँ पे ये जाओ लुटाए हम। अब जीने और मरने की परवाह हमें नहीं, अब जीने की मरने की परवाह हमें नहीं। वतन की माटी ले हाथों में, कसमें हमने खाई है।
की माटी ले हाथों में कसमें हमने खाई है। तन को कुर्बान करते हैं और रूह बन रह जाते हैं। तन को कुर्बान करते हैं और रूह बन रह जाते हैं। गोलियों की बारिशों में आगे बढ़ते जाते हैं है। कांपती रूहों से दुश्मन सहमे से रह जाते हैं। बंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम। सुबह बीती शाम बीती देर न कर अब आके मिल। सुबह बीती शाम बीती देर न कर अब आके मिल। थक चुकी है ये निगाहें कैसे माने माँ का दिल। थक चुकी है ये निगाहें कैसे माने माँ का दिल। सांसें मेरी दे जाके गया जो अपने साथ। सांसें मेरी दे जाके ली गया जो अपने साथ। तेरे खाली नन्हे कदमों के निशाब है कहाँ। तेरे खाली नन्हे कदमों के निशाब है कहाँ। कई दिन कई रातें बीतते बीतते सर्दी आ गई है बेटा। तेरी माँ तेरे इंतजार में स्वेटर बुन रही है। स्वेटर के बाजुओं को कई बार नापती हूँ और अनुमान लगाती हूँ कि तू कुछ और बड़ा हो गया होगा। चलती आ बेटा। माँ मैं तेरा वो ऊन का गोला हूँ जो तेरे हाथ से अब छूट चुका है। वंदे उस ऊन के गोले को तो जितना खींचेगी माँ वो गोला और सिमटता जाएगा लेकिन अब तेरे हाथ नहीं आ पाएगा। नहीं रे माँ हूँ उन ऊन के धागों को फिर से सुलझाऊंगी फिर से गोला बनाऊंगी जब तू आएगा। नहीं आऊंगा माँ अब नहीं आ पाऊंगा। तेरा बेटा किसी और रास्ते पे निकल पड़ा है माँ। जब कभी भी मेरा नाम आए फक्र से सिर उठाना माँ। आंसू मत गिराना क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा मैं दुनिया को। तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा मैं दुनिया को। जस्सू तू इस घर का बड़ा बेटा है। मेरा बड़ा बेटा है ना। तेरे दिखाए रास्ते पे तेरा छोटा भाई भी चलेगा।
सब कुछ अच्छा कर देना हमारे लिए, ठीक है? होगा तो वही ना जो कि हमारी किस्मत में लिखा है। सब किस्मत का दोष है। तो ठीक तो है ना माँ? तेरे बगैर कैसे ठीक होगी मैं? क्या पता नोरा, मेरी कोई गोली उनके लिए बनी हो या उनकी कोई गोली मेरे लिए। नहीं लगने दूंगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है जिस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप है नूरत, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन है, सबको छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। साहब एक इंच भी नहीं लेने देंगे साहब, चाहे किसी भी हद तक पहुंचना पड़े। फिर बता दो कि फोर्थ गढ़वाल राइफल्स बयोनेट की नोक पे चलती है।